हाय फ्रेंड्स, मैं हूं तस्नीम और द कंप्लीट वुमन चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूं, वो बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है और वो चीज जो है, सामग्री है, वो हमारे घर में अवेलेबल रहती है, हमारे किचन में हमेशा रहती है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ आटे का हलवा। ये बहुत ही झटपट से बन जाता है और बहुत ही बेहतरीन हलवा बनता है। फ्रेंड्स, प्लीज इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और इसमें मुझे कमेंट भी कीजिएगा। और जिन्होंने फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ में जो बेल आइकन है उसे क्लिक करना ना भूले, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम बनाते हैं आटे का हलवा। बहुत ही झटपट से बन जाता है ये। तो सबसे पहले मैंने ली है एक कढ़ाई। अब हम इंडक्शन को ऑन कर देते हैं। हमें इंडक्शन को मीडियम टेम्परेचर पे रखना है। अगर आप गैस यूज़ करते हैं तो गैस को भी मीडियम पे रखना है। अब सबसे पहले हम घी ऐड करेंगे। ये मैंने मेजरमेंट के लिए ये कटोरी ली है। ये कटोरी सेम साइज़ की सभी चीज़ के लिए मैं सभी इंग्रेडिएंट्स के लिए रखूँगी। ये मैंने 3/4 कप घी लिया है। घी को मेल्ट होने देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये घी अभी मेल्ट भी हो चुका है, गर्म भी हो चुका है। अब मैं इसमें ये 1 कटोरी यानी कि 1 कप आटा ऐड करती हूँ। और अभी हमें चमचे को चलाते रहना है। एटलीस्ट ये आटे को हमें 10 मिनट्स तक कुक करना है। ये 10 मिनट्स के अंदर ये आटा जो है पक भी जाएगा और इसका कलर भी जो है वो चेंज हो जाएगा। अच्छे से हमें इसे चमचे को चलाते रहना है कि गुठलियाँ ना जमे और आटा अच्छे से पक जाए। ये आटा पक रहा है तो हम इसमें ये इलायची भी ऐड कर देते हैं। ये हमने 4 से 5 इलायची ली है, इसे मैंने कूट ली है। ये भी इसमें ऐड कर देती हूँ मैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 10 मिनट हो चुकी है और ये आटे का जो कलर है वो भी चेंज हो चुका है और आटे में से बहुत ही सौंधी सी खुशबू भी आ रही है। ये हमारा आटा जो है अभी पक चुका है। अब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे। ये मैंने वही मेजरमेंट लिया है, ये 1 कटोरी मैंने पानी लिया है, इसमें ऐड कर रही हूँ अभी। और चमचे को वापस चलाते रहना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं ये 1/2 कप मैंने शक्कर ली है, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और फिर से इसमें ये और 1 कटोरी पानी इसमें ऐड करूंगी। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं ऐड करना चाहे तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा बनता है ये। फ्रेंड्स, ये जितना अच्छे से पकेगा ये उतना ही मज़ेदार लगेगा। अभी इसमें मैं और 1 कटोरी ये पानी ऐड करती हूँ, यानी कि मैंने 3 कटोरी टोटल पानी ऐड किया इसमें। अब बस ये पानी ऑब्जॉर्ब होने तक हम इसको पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, वाटर भी ऑब्जॉर्ब हो गया, यानी कि टोटल टाइम इसको पकने के लिए पूरे हलवे को 15 मिनट लगती है। 15 मिनट में ये पूरा अच्छी तरह से पक जाता है। ये इसका घी भी जो है सेपरेट हो रहा है, मीन्स हमारा हलवा जो है अभी पक चुका है। अगर आप घी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप थोड़ा सा घी और ऐड कर सकते हैं, नहीं तो ये इक्वल, ये मेजरमेंट जो है बिल्कुल सही है। अब मैं इंडक्शन को ऑफ कर देती हूँ और मैं आपको डिश आउट करके बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैंने डिश आउट कर दिया है हलवे को। देखिए, बहुत ही बेहतरीन बना है। तो इसे प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।